मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है जादुई फेस पाउडर की। तो आइए दोस्तों, कहानी देखते हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव में श्यामलाल अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहते थे। श्यामलाल एक खिलौनों की दुकान में काम करते थे और उनकी बेटी काजल कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उस खिलौनों की दुकान से इतना मुनाफा नहीं हो पाता था जितने में काजल अपने सारे शौक पूरे कर पाए। माँ, अब तो मैं कॉलेज में आ गई हूँ, सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन यहाँ तो आप ही अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रही हो। क्या पिताजी हमें थोड़े पैसे और नहीं दे सकते? बेटी, तुम तो जानती हो कि हमने तुम्हारे स्कूल की फीस भी कितनी मुश्किल से भरी थी। खिलौने की दुकान से तुम्हारे पिता इतने पैसे नहीं कमा पाते कि हम ऊपरी खर्च भी कर सके। काजल उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में बैठकर वो मन ही मन सोचती है, मेरी सभी सहेलियां कितनी सुंदर दिखती है, महंगे महंगे पार्लर में जाती है। मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही मेकअप का सामान, इसलिए मैं सबकी तरह सुंदर नहीं दिखती। अगले दिन जब काजल अपने कॉलेज जाती है तो उसके दोस्त उससे कहती है, काजल तुम बाकी लोगों की तरह कॉलेज में सज संवर कर क्यों नहीं आती? यहाँ सब इतने अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो सोकर उठकर सीधे कॉलेज ही आ जाती हो। ऐसी बात नहीं है पिंकी, मुझे बस साधारण रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं साधारण बनकर ही कॉलेज जाती हूँ। पास में ही पार्लर है, पार्लर बहुत अच्छा पार्लर है। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, तुम्हारा बहुत सुंदर मेकअप करेंगे, उसके बाद तुम भी हम सब की तरह सुंदर दिखने लगोगी। काजल मन में सोचती है, जाना तो मैं चाहती हूँ लेकिन जाने के लिए पैसे किसके पास है? और वो ऊपरी मन से सभी को पार्लर जाने से मना कर देती है। काजल के सभी दोस्त उस पर खूब हंसते हैं। सारे क्लास खत्म होने के बाद काजल अपने घर आकर आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते जितने में मैं खूब सारा मेकअप का सामान खरीदती, अच्छे कपड़े पहनती, अपने दोस्तों की तरह सुंदर दिख सकती, अपने मन की हर इच्छा पूरी कर सकती। काजल बिटिया, अकेले खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हारे पिता को भी आने में देरी हो जाएगी। चलो बाहर चलते हैं, चलकर सब्जियां ले आते हैं वरना अंधेरा हो जाएगा। हाँ माँ, लेकिन पिताजी क्या काम से बाहर गए हैं जो उन्हें आने में देरी हो जाएगी? नहीं बेटा, दुकान पहले से भी ज्यादा मंदी चल रही है, इसलिए तुम्हारे पिता देर रात तक दुकान पर ही बैठेंगे आज। ठीक है माँ, हम बाजार चलते हैं, वरना ज्यादा देर हो गई तो सारी सब्जियां बिक जाएगी और बची कुची सब्जियों के दाम महंगे हो जाएंगे। बाजार पहुंचकर काजल की माँ सब्जी खरीदने लगती है और काजल आसपास की दुकानों में मेकअप के सामान को देख रही थी। देखते देखते एक दुकान में जा पहुंची और तरह तरह के मेकअप के सामान देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी माँ भी उसके पास आकर बोली, यहाँ क्या कर रही हो काजल, चलो घर चलते हैं। वो देखो माँ, कितना सुंदर सुंदर सामान है, क्या आप मुझे फेस पाउडर नहीं दिला सकती? गोमती दुकान वाले से कहती है, वह वाला फेस पाउडर का डिब्बा कितने का है भाई साहब? वह केवल 500 का है, अच्छी कंपनी का है मैडम, एक बार लगा कर तो देखिए, चेहरे की सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी और पैसे भी वसूल हो जाएंगे। गोमती अपना बटुआ खोल कर देखती है लेकिन उसमें केवल 10 रुपए का नोट ही बचा हुआ था। काजल अपनी माँ के बटुए में पैसे देख लेती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए फेस पाउडर, क्या पता मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन हो जाए, चलो बाहर चलते हैं। गोमती को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी को एक फेस पाउडर भी ना दिला सकी। उसके बाद काजल और गोमती दुखी मन से घर वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से काजल को एक बुढ़िया की आवाज सुनाई देती है, रुको बेटी मेरी बात सुनो। गोमती और काजल उस बुढ़िया के कहने पर रुक जाते हैं। कहिए अम्मा, क्या आपको हमसे कोई काम है? हाँ बेटी, तुम रोज यहाँ से कॉलेज जाती हो ना, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ। तुमने एक बार एक छोटे बच्चे को अपना लंच बॉक्स भी निकाल कर दे दिया था, याद है मुझे? बहुत नेक दिल इंसान हो तुम बेटी। ये तो मेरा फर्ज था अम्मा। ये लो बेटी, ये मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। बुढ़िया के हाथ में फेस पाउडर देखकर काजल फौरन वो डब्बा बुढ़िया के हाथ से ले लेती है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। ऐसा लगता है कि आपको सब पता था कि मुझे क्या चाहिए। शुक्रिया। बुढ़िया मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। काजल और गोमती भी घर आ जाते हैं। अगली सुबह काजल कॉलेज जाने से पहले बुढ़िया के लिए हुए फेस पाउडर को अपने मुंह पर लगा लेती है। फेस पाउडर लगाते ही काजल बहुत सुंदर लगने लगती है। खुद को आईने में देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। गोमती काजल को देखकर बहुत ही हैरानी से बोली, बेटी तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? कुछ समय पहले तो तेरी सूरत कुछ और ही थी, और अभी चमत्कार कैसे हुआ? ये सब इस फेस पाउडर की वजह से हुआ है माँ। लगता है ये जादुई फेस पाउडर है, इसे लगाते ही मैं इतनी सुंदर दिखने लगी। दोनों माँ बेटी आपस में एक दूसरे को खुशी जाहिर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद काजल अपने कॉलेज चले जाती है। कॉलेज में सभी काजल को देखते रह जाते हैं। काजल क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? तुमने किस पार्लर से अपना मेकअप करवाया है? हमें भी अपनी खूबसूरती का राज बताओ भाई। हमें भी उस पार्लर का नाम बताओ जहाँ से तुम मेकअप करवा कर आई हो। मैंने किसी पार्लर से नहीं बल्कि खुद ही अपना मेकअप किया है। अरे वाह काजल, तुम तो बहुत अच्छा मेकअप करती हो। क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी? हाँ, कल तो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी। काजल अपने सभी से तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। अगले दिन पिंकी काजल के घर अपना मेकअप करवाने आती है। काजल मैं आ गई, जल्दी से अपनी तरह मेरा भी मेकअप कर दो सुंदर सा। मेज पर रखा वो फेस पाउडर अपने चेहरे पर लगा लो। इतना बोलकर काजल अपनी माँ की काम में मदद करवाने चली जाती है। पिंकी जैसे ही वो फेस पाउडर अपने चेहरे पर लगाती है, वो भी काजल की तरह सुंदर दिखने लगती है। अरे यह क्या चमत्कार है भला, सिर्फ फेस पाउडर लगाते ही मैं इतनी सुंदर हो गई? वैसे भी इस फर्टीचर के पास मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सिर्फ यह फेस पाउडर लगाकर ही वह इतनी सुंदर दिख रही है। ऐसा बोलकर पिंकी वो फेस पाउडर चुपके से अपने बैग में डाल लेती है और अपने घर आ जाती है। वहाँ दूसरी ओर काजल पूरे घर में फेस पाउडर ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। माँ मेरा फेस पाउडर कहीं नहीं मिल रहा, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? यहीं कहीं होगा, देख ले। वैसे भी आजकल तुझे कुछ कहाँ याद रहता है। अगले दिन जब पिंकी वो फेस पाउडर अपने चेहरे पर लगाती है तो वो किसी चुड़ैल की तरह बदसूरत दिखने लगती है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े कील मुहांसे आ जाते हैं। अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे दिखने लगी? इस फेस पाउडर को लगाकर तो मुझे और भी ज्यादा सुंदर दिखना चाहिए था ना? तभी वो फेस पाउडर उसे कहता है, तुम्हारे मन में बहुत पाप है और मैं केवल अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ, ना कि लालची और धोखेबाज लोगों की। क्या क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई फेस पाउडर हूँ। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें अपना समझकर तुम्हें अपना फेस पाउडर लगाने दिया, लेकिन तुमने उसी का फेस पाउडर चोरी कर लिया। मुझे माफ कर दो फेस पाउडर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मैं इस फेस पाउडर को ले जाकर काजल को वापस कर दूंगी, आप मुझे माफ कर दो। उसके बाद पिंकी वो फेस पाउडर काजल के पास ले जाकर कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मैंने कॉलेज में हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया और अब तुम्हारा ही फेस पाउडर चुरा लिया। ये लो तुम्हारा फेस पाउडर और मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, ये अच्छी बात है। उस दिन के बाद से दोनों दोस्त मिलजुल कर रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे किट्टू टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी कर लें, ताकि आप नई नई कहानी हमारे साथ सदैव देख सकें। और दोस्तों, इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।